जी कहाँ चले गए? अरे कहाँ है आप? अमेरिका से आपके बाबूजी आए हैं, वो आपका जादू देखने के लिए बहुत बेताब है। अरे कहाँ है आप छोटे राजा? इंद्रजी वो वहाँ है। अच्छा चलो चलो इंद्रजीत। पक 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुकुड़ 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 कुकुड़। इंद्रजीत तो कहीं नहीं है। क्या वो कहीं नहीं मिला? हाँ समझ गया, वो जरूर वहीं पर होगा, ऊपर उस कमरे में। वो देख रहे हो ना, वहाँ बड़े दादाजी के जादू मंत्र वाले ढेर सारे जादुई खिलौने हैं, उन्हीं के साथ खेल रहा होगा। तुम में से जो भी हिम्मत वाला है मेरे साथ चले। हाँ हाँ मुझे अटैच भी है। अरे डरते क्यों हो, मैं हूँ ना। चलो चलो आओ देखते हैं। नहीं हवा से, हवा से, मैं हूँ ना। चलो इंद्रजीत बेटा, इंद्रजीत इंद्रजीत। हम जानते हैं छोटे राजा, आप यहीं कहीं छुपे हो। हाँ सब जानते। तुम्हारे दादाजी से वादा किया था हमने कि तुम्हें लेकर आएंगे। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ बेटा। बस क्या यही है जादू? एक माचिस होती तो मैं भी अपना जादुई कमाल दिखाता। मालूम है ये इंद्रजीत है। उधर है, जाओ देखो। है यहाँ पर है छोटे राजा, अभी देखते हैं। अरे ये क्या चला आ रहा है? अरे बाप रे, छोड़ो मेरा पीछा। अरे माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ छुपूँ? अरे क्या हुआ? मैं नहीं निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा। चार बज गए क्या? अरे कोई है, मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने दो।
ये क्या इंद्रजीत, दादाजी की इजाजत के बगैर मैजिक करना बुरी बात है। देखा कैसे जवान से तलवार चलवाई और हाथी की सूंड से पानी निकलवाया। हाँ, जानता हूँ तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, लेकिन पहले तुम्हें पढ़ना लिखना है, बड़ा आदमी बनना है, फिर तुम्हारे ये दादा अपने लाडले को हर तरह की विद्या सिखाएंगे। सच्ची? तब तक दादाजी की इजाजत के बगैर तुम कोई भी जादू नहीं करोगे, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है। अब देखो, अब तक मैंने तुम्हें जितना भी जादू सिखाया है उसे तुम्हारे पिताजी अमरीका जाने से पहले देखना चाहते हैं, और वो जो तुम्हारे साथ बगीचे में बच्चे खेलते रहते हैं ना, वो भी मंच पर तुम्हारे साथ नाचने गाने को तैयार खड़े हैं। वो कह रहे थे, दादाजी हम भी मैजिक शो में भाग लेंगे। तो चलिए मैं तैयार हूँ। छोटा चेतन हो मिला, आओ तो करे सवाल, चक्रम पेट सो रहा। ये मोटू कौन है? छोटा चेतन है, उसका नाम कुछ कराना है। हाँ, जाओ। रोकूंगा मैं, ऐसे न छोड़ूंगा मैं, तुझको जला दूं मैं जादू की आग में, जा तू जान बचा। जिंदा खड़ा देख मैं, मेरे आगे तो कुछ भी नहीं, मैं मालिक हूँ मर्जी का, तेरा कैदी नहीं, तेरा कैदी नहीं मैं। देख मैं कैसे जादू के वार से काट दूं तुझे, तुझको मंत्र तंत्र से भस्म कर दूं रे। मंत्र मा तंत्र मंत्र मा यंत्र जंत्र मा, यूं ही जादू के जोर से बस में करूंगा तुझे। ये लो ये लो। स्टॉप इट। व्हाट, क्या हुआ?
आपके बेटे ने इतने शानदार जादू के खेल को यूं बीच में रोक दिया, अब ये बात सही है या गलत, इस बारे में भला मैं क्या कह सकता हूँ? देखो, बाप हो या बेटा, जो बात गलत है वो गलत है। माना बड़ी डिग्री लेकर ये अमेरिका का बड़ा बिजनेस मैग्नेट हो गया है, मगर ये काफी नहीं है। ये कला है और इस कला के लिए एक भावना चाहिए जो इसमें जरा भी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है मन में वो सब भावना। मुझे आए हुए 14 दिन हो गए हैं, 14 days। कल मैं अपने बेटे को अमेरिका ले जाऊंगा। आई नीड हिम। क्या आप गांव वालों को फक्र से नहीं कहते? मेरे बेटे का अमेरिका में एक टीवी चैनल है। वैसे ही क्या मैं अपने बेटे से कुछ उम्मीदें नहीं रख सकता? लेकिन यहाँ पर मैजिक मैजिक मैजिक, आप लोग बच्चे को इतने खतरनाक जादू सिखा रहे हो, स्कूल तक नहीं भेजते, आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। दिस आई कैनॉट एक्सेप्ट। वैसे छोटे बाबू जो कह रहे हैं वो बात भी किसी हद तक सही है। जैसे आप अपने बेटे के बारे में गर्व से लोगों को बताते रहते हैं, ठीक उसी तरह इनके दिल में भी अपने बेटे के लिए गर्व होना चाहिए। तो क्या करें? जिगर के टुकड़े को, अपने लाडले को अपने घर से जाने दें? हरगिज नहीं। इस वंश का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोशन करेगा। ये लड़का जादुई कला में माहिर होगा, एक बड़ा मैजिशियन बनेगा, एक बहुत बड़ा जादूगर। देश विदेश के अखबारों में तुम देखना इसका नाम आएगा। हाँ, कल 10:30 की मेरी फ्लाइट है। अगर आप इतने बड़े जादूगर हो तो इन 24 घंटों में मेरे बेटे को भी उतना ही बड़ा जादूगर बना दे तो देखूं। क्या कहा? है कोई ऐसा जादू आचार्य जी? देखा तुमने कैसे जी चलाने वाली बातें करता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, गुस्सा मत कीजिए। ये इंद्रजीत के लिए उसका प्यार है बाबूजी। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, इंद्रजीत एक बिन माँ का बच्चा है। वो आपके बेटे की सबसे बड़ी पूंजी है, उसकी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी निशानी है। आपका ये जादू आपकी स्वर्गवासी बहू को वापस तो नहीं ला सकता ना? कृष्णा, जानते हो तुम्हारे पूर्वज बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तुम्हारे बाबूजी ने उस खानदानी परंपरा को कायम रखा है। हाँ, ये सब तो मैं जानता हूं। अपने रीति रिवाजों की परवाह ना करते हुए तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें खूब पढ़ाया लिखाया। आज उसी वजह से तुम अमरीका में बसे हुए हो। तुम्हारे जाते ही उन्होंने जादू से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारी सब कुछ थी। उसके देहांत के बाद जब तुमने अपने बेटे को बाबूजी के पास छोड़ा तो उनकी बूझी आंखें चमक उठी थी। वो दिन आज भी मुझे याद है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, तुम्हारे बाबूजी में एक जोश सा आ गया। जो विद्या दफन हो गई थी उसे नई जिंदगी मिल गई। उनकी वीरान जिंदगी को जीने का एक नया मकसद मिल गया। एक खुशी की किरण बनकर आया था तुम्हारा बेटा उन बूढ़ी मायूस आंखों के लिए। अब अगर तुम उसे अपने साथ ले गए तो वो आंखें फिर से मायूस हो जाएंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, कल तुम्हारी 10:30 की फ्लाइट है ना? हाँ बाबूजी, लेकिन इंद्रजीत के भविष्य का ख्याल करके ही मैंने ये फैसला। नहीं कृष्णा, बेटे शायद तुम ठीक ही कह रहे थे। हम दादा परदादा अपने पोतों को चाहे कितना ही प्यार करें, बच्चों को तो अपने माँ बाप के पास ही रहना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए हा? और यही सही है। देखो ये इंद्रजीत का जादू का पिटारा है, इसे ले जाने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? ये आप क्या कह रहे हैं? मैजिक एक बड़ी अनोखी कला है हा? देखो, इस महान कला को जिस तरह तुम्हें मेरे पोते से छीनने का कोई हक नहीं है। नहीं बाबूजी, मैं उसी तरह से तुम्हारे बेटे को तुमसे छीनने का मुझे कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। कल सुबह इंद्रजीत तुम्हारे साथ अमेरिका जाएगा, ठीक है? सो जाओ। गुड नाइट। बहुत गर्म है। हाँ। घी डाला है ना? बहुत सारा। और नमक? 3 बार डाला है। शैतान कहीं का। मुखलो, हाँ ये लो। मुखलो 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 मुखलो। शाबाश। जल्दी पानी लाओ। पी लो बेटा।
अब जल्दी से पेट भरकर खा लो हाँ, और फिर उसके बाद अपने दादा के साथ चल के सो जाना अच्छी तरह। और जब तुम्हें गहरी नींद आ जाए बेटा, तो तुम्हारे दादा तुम्हें उठाकर बिस्तर पे लिटा देंगे हाँ। उसके बाद आप बहुत मजे से सपने देखना। दादा हाँ बेटा, क्या माँ सपने में आएगी? सुना मालिक, माँ को तो छोटे राजा ने कभी देखा भी नहीं है, फिर माँ सपने में आएंगी कैसे? दादा को देख लिया सो माँ को देखने की जरूरत ही नहीं है, यही हाँ? तो मेरी माँ है, है ना दादा? मेरा राजा बेटा। तारे सोई तू भी सो जा, गाँव में लोरी सो जा ताले लो, चंदा सोई तू भी सो जा, ममता की चिया सो जा ताले लो। भीगी भीगी सी पुरवाई हर दम यूं बहके, मेरा मन ये कहे आई आई तेरे पास पास, कहे ये नींद तुझसे ताली लू करूं मां बन के तुझको, आई घड़ी ओ ताले भोर की लाली के सुर बिखरे, प्यार भरी खुशबू से मेरा मन हर्षाए तू ताले लू। तेरे कानों में रात की रानी सुंदर सपने, आस न देना छोड़, कहे ये नींद तुझसे ताली लू बच्चे, बाहर धूप निकल आई है। आज कोई मैजिक शो थोड़ी ना है। बिल्कुल है, आज के शो में तो है एक बहुत बढ़िया नया आइटम। हाँ, नया? ऐसे क्या देख रहे हैं दादा? वो नया जादू क्या है बताइए ना दादा, जल्दी बताइए, मुझे सिखाइए। छोटे राजा कितने खुश हो गए। तुम चुप रहो, मुझे सिखाइए ना दादा। पर उड़ने का वक्त जो हो गया है। सिखाएंगे कि नहीं? अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताओ, कोई भी विद्या सीखने से पहले हम क्या करते हैं? पहले तालाब में नहाते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, पुरखों का आशीर्वाद लेते हैं और शुरू करते हैं। अरे मेरा बुद्धिमान बच्चा। मेरे मोटू दादा। हर जादू के पीछे एक दिलचस्प कहानी होती है मेरे बच्चे। तो कहानी सुनाइए ना दादा। सीता मैया को रावण विमान में उठा कर ले गया था, वो कहानी सुनी है ना तुमने? हाँ सुनी है। आसमान से वो सर से आया और फिर हा, हा। देखा बाबूजी का जादू बढ़िया है। Yeah.
आपकी यात्रा सफल होगी। रावण जैसे पंखों वाले विमान में मैं उड़ूंगा। रावण की तरह क्यों मेरे बच्चे, श्री राम की तरह इस पुष्पक विमान में उड़ना। आज आप इतना लाड़ क्यों कर रहे हैं दादा? सात समंदर पार करके मेरा बच्चा परदेश जा रहा है, इसीलिए इतना लाड़ कर रहा हूँ। अब आंखें बंद करो। ओ तो यही है वो नया जादू दादा। ये क्या, छोटे बाबू तो गायब हो गए। देखा बेटा, दोनों हाथों से मेरा गला घोटने आई थी, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। वहाँ कोई भूत भूत नहीं है बेटा, तुम हमारी आया को देख के डर गए बेटा। छाप कुत्ते को छोड़ो। All right, Rani. Come on, संभल कर उतरो। Good. चलो
अरे वाह, आज तो तुम्हें बड़े चाहने वाले मिल रहे हैं। चलो इस तरफ जाइए मैडम। थैंक यू। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। सड़क छाप कुत्ते कहीं के, पता नहीं किस गटर से आ गया। चलो। अरे सुना नहीं क्या? जाओ यहाँ से। शू। टेलीकास्ट में आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन नस्ल के कुत्ते दिखाई देंगे। हाय, मेरा नाम है दीप्ति और यहाँ मेरे साथ हैं जॉन, जो बिस्किट्स एंड बाथ्स और हमारे आज के स्पॉन्सर्स डॉग डे केयर सेंटर से आए हैं। हमारे शो को स्पॉन्सर करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। अब शुरू होने वाली है डॉग रेस, जिसमें भाग ले रहे हैं नियो और साइफर। उनके साथ तैयार खड़े हैं दो बार चैंपियन बनने वाले पुलिस डॉग बॉक्सर और ब्यूटी क्वीन रानी। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। बहुत अच्छे बॉक्सर, क्या फुर्ती से छलांग लगाई है। उसके ठीक पीछे है एक प्यारा सांप, प्यारा सांप छुटकू राम। तीसरे स्थान पर है रानी और ये था कॉम्पिटिशन का पहला राउंड। कितनी आसानी और फुर्ती से रिंग को लांग गया बॉक्सर। उसके पीछे है छुटकू राम, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसके पीछे है रानी। ओ, रुक गई। अगर रिंग नीचे होता तो शायद वो कूद जाती, पर उसे टांग तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। इस हार में भी उसकी जीत है, शायद इसलिए मम्मा प्यार से पुचकार रही है। अब रह गए बॉक्सर और छुटकू। बॉक्सर गुफा से निकल आया है और अरे ये तो फिर से गुफा में चला गया। अरे भाई, पुलिस कुत्ता जो ठहरा बेचारा शायद इस गुफा में चोरों को ढूंढ रहा है। मत जाओ बॉक्सर, कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? बॉक्सर परेशान है, क्या क्या करे? बॉक्सर, व्हाट आर यू डूइंग? क्या बात है, छुटकू राम गुफा से निकल आया है और वो बॉक्सर को कड़ी चुनौती दे रहा है और आगे बढ़ रहा है। बॉक्सर अपनी लंबी करते हुए आगे निकल गया, लेकिन मुकाबला चल रहा है और ये हमारी कॉम्पिटिशन का आखिरी चरण है। और ये क्या, बॉक्सर रुक गया। कम ऑन बॉक्सर, जल्दी सीसा को पार करो। लेकिन छुटकू राम बड़ी चालाकी से आगे बढ़ गया है एंड दैट्स इट, वो जीत के बहुत ही करीब है और हमें पूरा यकीन है कि वो सीसा पार करेगा। यस, छुटकू राम जीत गया। कमाल है, छुटकू तो सबसे चालाक निकला, उसने सबको हरा दिया और चैंपियन बन गया। शाबाश छुटकू राम, तुम्हारा दोस्त कमाल का है। आज का थर्ड प्राइज जीतने वाली है हमारी प्यारी सी पूडल रानी। अफसोस, हमारे पिछले साल के चैंपियन इस बार सेकंड प्राइज ही जीत पाए हैं, पुलिस डॉग बॉक्सर। एंड द सरप्राइज विनर इज, एक मिनट एक रुक जाइए, ये कुत्ते का नाम क्या है? इस लिस्ट में तो ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। एक मिनट देखते हैं। जल्दी बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस कुत्ते को ये मेडल नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि ये एक सड़क छाप कुत्ता है। चैंपियन बनने वाला कुत्ता सड़क छाप है? Yes, it is. New York Dog Show के इतिहास में आज पहली बार एक सड़क छाप कुत्ता चैंपियन का मेडल उड़ा कर ले जा रहा है। नहीं, कमाल नहीं, हो गया। नहीं सकता। आपने मेरी बात सुन ली? देखिए, अरे वाह, कॉम्पिटिशन जीतते ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया और फूल भी मिल गया। वेरी गुड, जल्द ही तुम्हें घुमाने ले जाना चाहेगा। चलो चलो अब घर चले, अपने दोस्त को बाय कहो। बाय एंड कांग्रेचुलेशंस। राजा, किधर है तू? ए राजा, मेरे बच्चे आ जा, मेरे बच्चे आ जा। ये क्या, ये मेडल ओलंपिक की रेस में मिला क्या? ओ, असली सोना लगता है। मिला कि उड़ा कर लाया तू? चलो रख लेता हूँ। इंद्रजीत बेटा, ये देखो, ये है न्यूयॉर्क शहर, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। पिताजी, आप लोग नए जादू का बहाना बनाकर मुझे धोखे से यहाँ ले आए ना। अरे अरे, उधर देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। हमारे मायापुरी में तो ऐसा नहीं है इंद्रजीत। कृष्णा, हाँ यहाँ आना। या कमिंग। तुम यहाँ रुको बेटा, मैं अभी आया। कहो दीप्ति, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? कृष्णा, तुम्हें इंद्रजीत से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अब वो यही रहने वाला है ना, उसे सब सच सच बता दो। बता दो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ,
वो जितनी जल्दी ये सब जान ले उसके लिए बेहतर होगा। बेचारा बिन माँ के पला बड़ा है। He's a sweet boy. जल्दबाजी करना ठीक नहीं है दीप्ति। इस वक्त उसके दिल में दादा, जादू और गांव बसा हुआ है। धीरे धीरे मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। It will take some time. Okay. Mary. ये कौन है? ये क्यों यहाँ रहती है? उसका नाम दीप्ति है बेटा, वो तुम्हारी माँ है। मैं आ गया हूँ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुने। थैंक यू। तुम एक डॉलर दोगे नहीं दोगे, वो 10 लाख देगा। मैडम मैडम प्लीज हमारी मदद कीजिए। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुने। सुन गया मैडम। मैडम हमारे अनाथ आश्रम के लिए चंदा दीजिए ना मैडम। क्या बिल्कुल नहीं चल सकते? मैं जंग में जख्मी हो गया था, दुश्मन ने बम से टांग उड़ा दी। बेचारा। बस भर के माल। ओ आज तो हमारी किस्मत चमकी। वो सब अनाथ बच्चे कहाँ हैं? हम दोनों है ना, दिखता नहीं क्या? पिछले कई जन्मों से अनाथ हैं हम मैडम। और क्या है कि हमारा माँ को टार्जन बचपन में उठा के लेके गया, तुमको देखा हमको एकदम जानवर का, हमारा माँ का याद आया। ये कोट भी एकदम जंगली जानवर जैसा है। वाह, हमको छोड़ के बच जाओ दादी। वाह, चल भाग उठी। यू ही ऐसा डॉलर बरसाता रहे ऊपर वाले। एकदम कड़क कड़क नोट जान से सूंघे और जाके ले जाओ। कहाँ भागे जा रहे हो? आहिस्ता चलो, आहिस्ता। ये वही रेस वाला सड़क छाप कुत्ता है ना? लानत है बॉक्सर, तुम यहाँ खड़े खड़े उसे सुसु करते हुए देखोगे? अरे यहाँ बेकार में अपना वक्त जाया मत करो, चलो आओ मैं तुम्हें मटन चॉप लेकर देता हूँ। मैंने कहा ना चलो, चलो बॉक्सर। ये राजा का बच्चा किधर चला गया? अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ गया? बहुत टाइम हो गया। आ गया आजा। जल्दी आ। ला ला ला, पर्स दे। थोड़ा माल निकाल ले दे। अरे पर्स छोड़ दा राजा, ऐसे मत कर। अरे ये राजा भी मेरी इज्जत का फालूदा कर रहा है। जिंगल बेल Jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on his sleigh. Jingle bell, hey, hey, hey.
लो लो। शाबाश, ये सब इस थोड़े का कमाल है। ले अपने मुंह पे लगा ले। लिपस्टिक। हाँ अपना बंदर जैसा शक्ल देख। अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड नहीं बॉस, हरा हरा नोट चाहिए। निकालो निकालो। क्या हुआ? हाँ? बहुत माल है? किधर है? तू बोला इसमें नोटों का गड्डी भरा हुआ है, तो फिर गया किधर वो? मालूम नहीं, तभी तो था। माँ कसम अपनी आँख से देखा था। मैं अपना माँ का कसम झूठा क्यों खाएगा? अब इसमें था ना, इसमें बहुत बड़ी गड्डी थी। सारा माल किधर छुपाए कुत्ते? यू फूल! क्यों बेचारा राजा पर झूठा इल्जाम लगाता है? जाकर अपना आग चेक करा, अपना ये गोबर जैसा दिमाग चेक करा। तेरा दिमाग में एकदम भूसा भरा है, समझा? तो तेरा जो आग है ना, इसमें मोटा मोटा चश्मा लगा। चश्मा नहीं बॉस, लेंस है। लेकिन क्या है कि मैं एकदम बेकसूर है बॉस, हर बार माल किधर तो गुम हो जाता है और नाम मेरा आता है। आप कभी तो इसको पूछो ना, राजा भी माल छुपाता होगा ना, है कि नहीं? गधा, तेरी माँ तुझे पैदा करके बीच सड़क पे छोड़ गया। आज तक कभी अपने बाप का थोड़ा देखा क्या? बोल बात की आवारा औलाद, मेरे राजा बच्चे पर इल्जाम लगाता है तो मेरे को छोड़। जब का मेरे साथ नक्शाबाजी करता है। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। कुछ सुना? वो क्या गा रहा है? हे भगवान, मेरे दादाजी का ख्याल रखना। पूजा भी नहीं करने दोगी? छे, तुम सच में एक बड़ी भूतनी हो। आग! दिमाग खराब है? तुम्हें ये बम लगता है? बूम! अनाथ बच्चे लोग का सहारा बनो। दिल खोलकर चंदा दीजिए मैडम। देखिए, हम ना एक अनाथ आश्रम चला रहे हैं, उसके लिए हमें चंदे की जरूरत है, तो आप देंगे ना प्लीज? ओके, आप जीते हैं। आप जितना देखो मैडम, चंदा देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। चलेंगे? इतने सारे डॉलर ऊपर वाला तुम्हारा भला करे मैडम। आपका बच्चा जी आपका खून पिए। ओ ऊपर वाले, तू बस यूं ही डॉलर बरसाता रहे। देखो इस बार गड़बड़ नहीं करना। जिगड़ी जिगड़ी जी। थैंक्स राजा, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। रानी, तुम्हारा राजा तो बहुत समझदार है, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। चलो चलते हैं। चलो बाय राजा, फिर मिलेंगे। अपने दोस्त को बाय कहो। थैंक्स वंस अगेन। जिगड़ी जिगड़ी जी, आज तो बनेगी तेरी चटनी। ओ पॉकेट पावर और चोरों के शहंशाह, हम
इसको ऐसा सजा दे कि ये फिर कभी किसी छोकरी के पीछे अपना धंधा कोटी ना करे। जब ये सजा काट कर बाहर आए तो ये पहले की तरह एकदम मस्त भरे हुए पर्स का चोरी करके अपने को मालामाल कर दे। आमीन। चलो चलो अब इनकी इंद्रजीत, वो बॉय किधर गया? क्या हुआ? हम दोनों इधर लुका छुपी खेल रहा था, वो मेरे को आंख बंद करने को बोला और गायब हो गया। कहाँ गया होगा? गायब हो गया। वो कहीं गायब नहीं हुआ, वो यही है। इंद्रजीत। चुप, एक शब्द मत बोलना। ये घर भूत प्रेत से भरा हुआ है। आज तक किसी ने मंदिर की घंटी नहीं बजाई, पूजा भी ठीक तरह से नहीं होती यहाँ, सब गलत हो रहा है। ये सब क्या है? कृष्णा, मुझे तो लगता है कि ये दादा के। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं मायापुरी जाऊंगा अपने दादा के गाँव। कृष्णा, ये गाँव जाएगा इसमें बैठ के? देखना अब आएगा जादू का असली मजा, तुम दोनों पीछे हट जाओ। दोस्तों, अभी हमारे छोटे जादूगर इंद्रजीत न्यूयॉर्क शहर से इंडिया की मायापुरी नगरी में जादू मंत्र से उड़ने वाले हैं। देखिए और मजा लीजिए इस लाइव टेलीकास्ट का। ये क्या हो क्या रहा है? जादू, मैजिक। ये बंद बक्से में मैजिक कैसा? ये जादू चमत्कार दिखाएगा। हाँ? इंद्रजीत, तुम पुष्पक विमान में बैठकर हिंदुस्तान की मायापुरी नगरी में वापस आ गए हो। देखो, तुम्हारे स्वागत के लिए पूरा गांव आया है। रामू काका, नेताजी चाचा और हमारे महान आचार्य, यानी कि मेरे बाबूजी और तुम्हारे दादा, सब आए। बाहर आओ बेटा, आओ। ओ। बाहर आओ बेटा। इंद्रजीत, दादा का जादू तो यहाँ काम नहीं आया। दादा, हमारा जादुई मंत्र क्यों नहीं चला? मैं गायब क्यों नहीं हुआ? देखिए ना, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूँ दादा। घंटी बज रही है। इंद्रजीत है। हेलो हेलो न्यूयॉर्क, दिस इज मायापुरी। हाँ, हेलो कृष्णा, हम बाबूजी बोल रहे हैं। बाबूजी वहां सब कुशल तो है? हेलो, बाबूजी ने जादू से फिर मुंह मोड़ लिया है। रहिए नेताजी, क्यों बेकार में उसे दुखी कर रहे हैं? कृष्णा जी, फोन इंद्रजीत को दो बेटा, हमें उसे आशीर्वाद देना है। आज उसका जन्मदिन जो है, उसके नाम से हमने मंदिर में पूजा अभिषेक सब करवाया है। घर में इस वक्त अनाथ बच्चों को खाना भी खिला रहे हैं। और जानते हो छोटे बाबू, सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। नहीं नहीं कृष्णा, तुम्हें नहीं, ये नेताजी है यही फिजूल में। जरा इंदिरा को बुलाओ बेटा, जल्दी से मुझे बात करनी, जल्दी फोन दो उसको, जल्दी चलो। हाँ दे रहा हूँ। इंद्रजीत, इंद्रजीत, हेलो, ये क्या हो गया तुम्हें? फोन, अरे फोन दो मेरे बच्चे को। क्या बोलिए? हेलो हेलो इंद्रजीत, कहाँ चला गया ये? बाबूजी लगता है वो थक कर सो गया। सो गया तो जगाओ उसे, कहो दादाजी का फोन है, वो उठकर तुरंत आएगा। चलो जाओ। बाबूजी नींद से जगाया तो चिढ़कर रोने लगेगा, मैं बाद में फोन करवाता हूँ ना। अरे ये क्या मजाक है, उससे कहो दादाजी का फोन है, बुलाओ उसे, उसे इसी वक्त फोन दो। चलो बुलाओ। कृष्णा, बाबूजी ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर उसको फोन नहीं दे रहा हूं, वो सचमुच सो रहा है। क्या हुआ इंद्रजीत? इंद्रजीत मैं आ रहा हूं। मैरी, इंद्रजीत बेटा, मैरी क्या हुआ? यस टीवी एशिया। ओ हाँ, गुमशुदा बच्चे, होल्ड कीजिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो दीप्ति, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। कृष्णा जरा होल्ड करना। हाँ जी, हाँ हाँ, हम उनकी फोटो दिखा सकते हैं, वो मिसिंग चिल्ड्रन की फोटोज है ना। हाँ हम दिखा देंगे।
जी हाँ, आज रात ही दिखा देंगे। हाँ जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल सही जी हाँ, प्राइम टाइम पर ही। ओके बाय। सॉरी कृष्णा, अनाथ आश्रम से फोन था, तीन बच्चे भाग गए हैं वहाँ से। यहाँ भी कुछ वैसा ही हाल है, इंद्रजीत का कोई पता नहीं, वो घर से भाग गया है। सारे इलाके छान मारे पर वो कहीं नहीं मिला, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। भागने से पहले बाबूजी की फोटो देखकर रो रहा था, ये सब मैरी ने बताया। बस अपना जादू का पिटारा साथ ले गया है, क्या करूं दीप्ति। हेलो दादा, पहचाना, इंद्रजीत। हेलो दादा, मैं घर से भाग आया। जानते पिताजी अकेले नहीं है, वो मेरे एक नई माल आए हैं। हेलो हेलो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ दादा, हमारा जादू भी अब बिल्कुल बेकार हो गया है। हेलो हेलो हेलो, अरे मैंने पैसे तो डाले ही नहीं। हेलो कौन? अरे कुछ बोलो भी। हे ये क्या, तुम दोनों इस बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? क्यों बे बंदर, जरा इस बोंदू का मुंह तो देख, कौन सी दुनिया से आया रे? ए लल्लू, ये क्या पहन रखा है तूने? छोड़ो छोड़ो। ए सुन, क्यों छोड़ो तुझे, अपने पास जो भी है चल दिखा मुझे। ये भी खेल। वाह ये तो मालदार निकला। पैसे उसमें, मेरे पैसे उसमें। ये ले ये ले। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, उसकी चीजें उसे वापस कर दो। जरूर वही होगा, पर मेरी आवाज सुनकर उसने फोन क्यों रख दिया? इसलिए कि छोटे राजा ने घर वालों से छुप के फोन किया होगा और उनके हाथ में फोन देखकर कृष्णा बाबू ने ही फोन छीना होगा। हद है तुम्हारी सोच की भी, क्या कहने, मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा ये तुम सोच भी कैसे सकते हो? अपना बेटवा को भी इतना नादान मत समझिएगा, और दादा पोते के मन को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर फोनवा पर आपका पोता से बात हो जाता तो भागते हुए वापिस चला आता आपके पास। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, अगर हमारा बेटवा ऐसा हरकत करता ना तो फोनवे पे घुमा के एक झापड़ देते। क्या कर रहे हो, देख
चलो। आप क्या जो सबसे महंगी वाली डिश वो लेके आइए। मंदिर देवता तुझ में देखे रिश्ते नाते तुझ में देखे स्वर्ग है मेरा तू ताली चंदन की खुशबू है तुझ में रिमझिम है सावन की तुझ में बातें है प्यारी ताली लो कैसे कहूँ क्या है आलम मेहर हो जो उसकी बिछड़े न हम मिलके कभी कहे किरण उषा की कहे ये नींद तुझसे ताले लो ताले लो। जितना भी पी सको तुम उतनी पी के जाना सनम। नहीं, रुक जा। वो कैट मेरा है। मैंने उसे पहले देखा है, वो मेरा है। मुझे बहुत भूख लगी है। चोर कहीं के बदमाश, पता है मैंने तीन दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरा ध्यान रखने के लिए दादा ने तुम्हें भेजा है। आप उस कुत्ते को समझ में आ रहे हैं? राजा ने हमारा बाजा बजा दिया। स्टॉप।
अगर वो कुत्ता किधर मिल गया तो हम उसका जान लेंगे। तेरे साथ ऐसे होना चाहिए। ये नमकीन पाने तूने मेरी टोपी में सुसु किया, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। राजा, राजा, बॉस, वो इधर ही किधर तो है? किधर गया वो? मुझे उसका बुआ आ रहा है बॉस। मुझे बहुत प्यास लगी है छुटकू। तुम लाट साहब तो सिर्फ पेप्सी पीते होगे ना? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे तुम चुप क्यों रहे हो? क्या हुआ, तुम चुप क्यों रहे थे? क्या बॉस, एक दिन में तुम अपने राजा का आवाज भी भूल गया? आवाज तो सिखा है। वो इधर ही भटक रहा है बॉस। बॉस अभी तो अपने ना इज्जत का सवाल है, देखना कैसे मैं उसको चुटकी में फंसाता है। अरे तो फंसा के दिखा ना। पकड़ लिया। अरे देख तो सही किसने फंसाया तूने चमर कराते। तो नहीं कहां भाग रहे हो? रुको, नमस्ते आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो ये सब तुम्हारे सर्कस वाले दोस्त हैं? तभी तुम इतने फुर्तीले हो। बहुत अच्छे, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक जादू करें, पूछो इन्हें। Somebody moving to the rhythm of the city. Somebody going to the sunshine beat. Read me this, read me that, riddle up a fat cat. Who can it be now if you wanna be free? Maybe you wanna do the sunshine right now. Maybe you gonna show you got the beat. Push the key up the street right now. Beat the system if you wanna be free.
तुम्हें पता है चुटकू ये तीनों चोर हैं। रुको अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। धरती गगन का हूँ मैं तो एक राजा, वो छोटा जादूगर मायापुरी में। तगड़ा तगड़ दूम जादू मेरा ये दिखाओ। जाने हैं अली बाबा जाने हैं। अल्लाह की कसम कोई डर ना किसी से, अंगारों को भी यूं पानी कर दूं मैं, लोहे को छू के सोना कर दूं मैं तो। आया रे बूम जी बूम बा। देखो तुम छठे का ये मैजिक, देखना देखना गोल मर के। You and just beat it. Watch your words, or we make you eat it, nerd. Bachna, bachna, kachna, hogare, ladna, hogare, paga ho to bazare. Shoot to you, boot to you, vanish into. Gaake bol, inne chinne tinne. Throw you away all the way back to Bombay. Indian ho sun rahi ra, yahan tu to har jido. Go to hell with your skill. Apni hi victory hogi. Spear out of here. Bitta bilkul nikamma. Jaghat. आश्रम वाले बच्चे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ, रुक जाओ। चलो। जल्दी चलो। नहीं सकते। पकड़ो ने। क्या कर रही हो? क्या हुआ? बचाओ। हाँ? पुलिस आप मदद करो। मतलब? हाँ। वो देखो। हाँ। हाँ। चलो उस लड़की को तो पकड़े। इसे बचाना पड़ेगा। हे hey, क्या है? आवाज मत करो। हे बच्चे, मेरे साथ चालाकी नहीं, मैं जानता हूँ कौन से है। चलो के बाहर निकालो। चेकी नहीं हो। कहाँ गई वो? क्या किया तुमने? कैसे हो सकता है? शायद ये मेरी आंखों का वहम था। चलो बॉक्सर, बहुत हो गया। काम का बोझ कुछ ज्यादा ही हो गया है। लगता है मुझे छुट्टी पर जाना पड़ेगा। हो, शुक्र है। हाँ? क्यों? अरे रो क्यों रही हो? सब ठीक है। तू बहुत चालाक समझता है अपने आप को। माल कमा रहा है हमारे इलाके में। चलो अपने जादू से गायब हो जा, नहीं तो अब तू गया। लोगों को तूने सरा हुआ जादू दिखाकर हमारा हक छीना है। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। रुक जा, खबरदार जो इसे हाथ लगाए तो। हट जाओ कीकी, इसके बीच में तुम मत आओ। इस लल्लू से मैं अकेले ही निपट लूंगा। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों भाग गए थे? इसने मुझे पुलिस वाले से बचाया, समझे? ना कि तुमने। क्या कहा? चोर है ये एक नंबर का। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसने हमारा हक छीना है, ये क्या तुम्हारी मदद करेगा? और हाँ, इसने हमारे पैसे गायब किए, तुम्हें नहीं। यकीन मानो मेरी बातों पर, इसी ने मेरी मदद की, पुलिस वाले से बचाया। बचाया? सचमुच? कितनी सुंदर है, कितनी सारी गिटलियाँ। कहा था ना ये लड़का अच्छा है? कहा था ना मैंने? वो देखो, हमसे दोस्ती करोगे? Should be the bigger, should be the bigger, should be the bigger.
सूचना, एक 9 साल का हिंदुस्तानी बच्चा जिसका नाम इंद्रजीत है और कद 3 फुट 11 इंच है, पिछले कुछ दिनों से अपने न्यूयॉर्क वाले पति से लापता है। ये लड़का कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क आया था। रंग इसका तो मेरी तस्वीर है। इसमें मैं बहुत ही मासूम है, ये सिर्फ हिंदुस्तानी भाषा जानता है। तुम भी भागे हुए हो? हर पुलिस स्टेशन में इसकी फोटो मौजूद है। सही सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। इसके बारे में कोई सूचना मिले तो कृपया टीवी एशिया के चैनल के ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में खबर करें। रिंग हो रहा है क्या? हाँ हाँ। ओके। दादा, मैं बोल रहा हूँ, इंद्रजीत। इंद्रजीत, अब ख्याल आया दादा का? कैसे हो राजा? मैं पिताजी के घर से भाग आया। पिताजी के घर से भाग आया क्यों? मन नहीं लगा तो भाग आया। हद है, हमने जन्मदिन पर तुम्हें फोन किया था लेकिन कृष्णा ने तुम्हें बताया कि ऐसा कुछ हुआ है राजा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए दादा, यहाँ मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं, टायरोन, योगी, छुटकू कुत्ता, जहाँ भी जाए हर वक्त साथ रहते हम लोग। मैं आपके पास आने की तैयारी कर रहा हूँ, टिकट के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, तुम जरा भी फिक्र मत करो, तुम्हारे पिता को कह दूंगा, तुम यहाँ आ जाना। आ जाओ। ठीक है, इतना छोटा बच्चा अकेले कैसे आवेगा, खुद जाके ले आइए ना। हाँ यही ठीक रहेगा, हम वहाँ आते हैं, हम न्यूयॉर्क आते हैं, वही रहना राजा, हम खुद वहाँ आकर तुम्हें यहाँ ले आएंगे। ओके, ठीक है दादा, खबर है। दादाजी मुझे लेने न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंद्रधनुष के रंग बनकर चांद सितारों के घर जाकर जादूगरों का मैं तो बनूं राजा। सात समंदर पार कर ले, ऊंचे पर्वत पार कर ले, खेल कूद का आएगा मजा। झूमे नाचे गाए सारे दोस्तों, रोके टोके कोई ना हमको सोचो तो, दादाजी के प्यार में हम तो दोस्तों, दुनिया अपनी नई बसाए आओ तो। खुशबू प्यार खिलाएंगे दादा, जो मांगोगे वो दे देंगे, न्यूयॉर्क की हम सैर करेंगे, उनके प्यार में हम भीगेंगे। हाँ काश अगर जग दादा जैसा होगा, सोचो दुनिया का रंग कैसा होगा, घूमती धरती का पहिया रुक जाएगा, आसमां में पतंग सा दिल उड़ जाएगा। बाबूजी, बात यह है कि इंडिया से यहाँ पर आने के बाद इंद्रजीत को यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो यहाँ खुश था।
यहाँ आने के बाद वो जरा भी बात नहीं करना चाहता था मुझसे। जानते हैं बाबूजी, यहाँ के बाथ टब में नहाते हुए कहता था कि ये मंदिर के तालाब जैसा है। मैरी प्लीज बाद में आना, अभी तुम जाओ। नहा धोकर आप ही की तरह पूजा किया करता था। जादू का पिटारा से तरह तरह के खेल खेला करता था। एक दिन तो हवा में गायब होने की कोशिश भी की। गांव से दूर, जादू से दूर और आपसे दूर रहना उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आपका बहुत लाडला था। आपके लाड प्यार के बगैर रहना उसके लिए आसान नहीं था। तो क्या मेरे ढेर सारे लाड प्यार की वजह से वो घर छोड़कर चला गया, यही कहना चाहते हो ना? ये मेरी गलती थी, लेकिन यही गलती तुमने क्यों नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अनजान शहर में इंद्रजीत का पता लगा कर आओ। अरे गरीबों को कुछ तो पैसे दे दो, अनाथों के लिए कुछ चंदा दे दो। चला गया तू, कहाँ चला गया तू? आजा मेरे पास। अरे मिल गया। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। अरे यहाँ क्यों छुपा बैठा है? जाओ वहाँ, भाग कर जाओ। बच्चा लोग की चप्पी करके राजा को लेकर आप औरत। ऐसा दिखता है ये, ओ रंग भी अच्छा। कौन है ये लोग जो दिन दहाड़े मुंह पर काली पोत कर शरीफ लोगों को लूट रहे हैं? या तो ये हमारे माफिक चोर है, नहीं तो किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। कौन? कौन है? बच्चा लोग देखो, हमारा राजा को दे दो, उसके बाद हमें तुम लोगों को चॉकलेट भी देगा। दे दो सीधा से, शरबत से, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। आप लोगों को बोल देते हैं, बहुत भारी पड़ेगा। शाबाश शाबाश। वो देखो कबूतर, ये मेरे दादा का कबूतर है। जानी मानी हस्ती हमारे शहर में है। हिंदुस्तान के महान जादूगर आचार्य अपने किसी निजी काम से न्यूयॉर्क आए हैं। यहाँ वो कौन सा जादुई खेल दिखाने वाले हैं? वो रस्सी का जादू होगा या कुछ और, ये कोई नहीं जानता। पर हम इतना जानते हैं कि उनका पोता इंद्रजीत भी इस शो में अपने जौहर दिखाने वाला है। इंद्रजीत को जादुई कला विरासत में मिली है। आचार्य एक ऐसे तांत्रिक खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहाँ जादुई कला पुश्तों से चली आ रही है। उनका शानदार जादुई शो अगले रविवार को है। अपने टिकट बुकिंग के लिए तुरंत इस नंबर पर फोन करें, 756-666-666। पब्लिक को मालूम पड़ेगा तो वो बोलेंगे ये तो चलता है। तेरी खोपड़ी खोल लूंगा, बता दे रहा हूँ। वो बच्चे लोग किधर गए? जाओ। इस बार तूने कुछ गड़बड़ किया तो समझ ले खलास। चल ढूंढ जल्दी, ढूंढ जल्दी। कहाँ गया वो? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो देखो वहाँ। दादा। हाँ, मेरे दादा यही आसपास कहीं होंगे।
सामने सामने। अरे उधर, अरे जल्दी भाग के पकड़ उनको। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वाह। चलो चलो, वो देखो। वो जा रहा है। वो देखो, पकड़ लो। देखो वो क्या? अरे आवाज नहीं। अभी फट से दादाजी सामने आ जाएंगे। बच्चा लो, दादाजी तो नहीं आएंगे, फिलहाल मैं चलूंगा क्या? मेरे साथ भी मीठी मीठी बातें कर लो। ये दिवाली वाली नकली बंदूक नहीं है, ये बहुत समझदार बच्चे हैं ना? और समझदार बच्चा अक्सर अपना बड़ा लोग का कहना सुनता है। हम जैसा बोलेगा वैसे ही मानना पड़ेगा। जाओ जाओ, आगे जाओ, बड़े आए डराने वाले। पहले वो बंदूक नीचे फेंक दो। आज के खाने में कबूतर होगा। नहीं, उसे मत मारो। चलो बच्चा, लो हाथ ऊपर करो। गुड बॉय। अरे मेरा खाना। आजा, ये मेरे लिए $1,000,000 है। इतना साल हम पैसे के लिए चोरी किया, लेकिन अब अपना तकदीर का सिक्का पलट गया, तकदीर चमक गया अपना। इंडिया का बहुत बड़ा नामी जादूगर आचार्य का पोता हमारे कब्जे में है। आचार्य को अपना पोता चाहिए और इस अनाथ को थोड़ा बहुत माल चाहिए। $1,000,000। ये अपना सोने का मुर्गी है, इसे संभाल कर रखना। वो टीवी वाला क्या नंबर बोला था? फोन करना है टिकट के लिए तो 756666666। ये तीनों चूहा लोग को अंदर बंद कर दो। है मेरे साथ चल, चल अंदर, चलो बाथरूम में जाके बैठेगा। छोड़ो, मैं कान के नीचे देगा। अरे चलो चलो, हमने क्या किया? छोड़ो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, जाने दो। हिंदुस्तान के जाने माने जादूगर आचार्य जिंदगी में पहली बार न्यूयॉर्क शहर में अपने पोते इंद्र से मिलने। बाबूजी, हम इस एड को अपने चैनल पर बार बार दिखा रहे हैं। वो जहाँ भी हो, इस एड के जरिए हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप फिक्र ना करें इंद्रजी। तुम्हारे इस वाहियात एड की वजह से मेरा बच्चा आज मुसीबत झेल रहा है। अब जो करना है हम ही करेंगे। सुनो, ये मेरे दादा की तस्वीर है राजा। इस वक्त वो न्यूयॉर्क में है, तुम्हें पता है ना? तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें ढूंढो और यहाँ ले आओ। वही मुझे इन बदमाशों से बचा सकते हैं और सिर्फ तुम ही उनके पास जा सकते हो, समझ गए? राजा, तुम मेरी बात समझ गए ना? किधर गया राजा? राजा क्या बॉस? बोल मेरे राजा को, किधर गुल किया तूने? मैं ये $1,000,000 आसानी से नहीं खोने वाला, समझा?
मॉर्निंग टू यू। अपन इस दुनिया का सबसे डेंजर आदमी बोल रहा है। तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा जादूगर को हम उठा लिया है। उसका सगे वाला कोई हो तो बात कर सकता है? पिक अप द फोन, इंद्रजीत के बारे में है। हेलो। तेरा बच्चा इधर चक्के की तरह चल रहा है और हमने उसे बांध कर रखा है लोहे की जंजीर में जकड़ कर रखा है। अगर हमने जंजीर और जकड़ ली तो उसकी मुलायम हड्डी टूट जाएगी ना। सुनो उसकी आवाज, चिल्ला 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 और जोर से चिल्ला। आवाज सुनी? अगर तुम्हारे बच्चे को तकलीफ से बचाना है तो छोटी सी कीमत अदा करो, $1,000,000। माल मिलते ही हम तेरे बच्चे को आजाद करेंगे। और सुन, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। पुलिस को बताने की होशियारी की तो तेरा छोटा जादूगर दुनिया से छू हो जाएगा। अरे माल किधर लाएगा? कहाँ चाहिए? एड्रेस दो, लिखो। नंबर 9 चर्च स्ट्रीट, जल्दी से माल लेकर इधर आ। नंबर 9 चर्च स्ट्रीट। और याद रखना प्लीज, ओनली कैश, नो चेक्स और चिल्लर बिल्कुल नहीं। माल इधर आ रहा है, अपन अभी मालदार बन जाएं। माल, माल, पैसा, पैसा, पैसा। ओ ये कैसा, अब देखो मेरा कमाल, कैसे दिख रहा हूँ मैं। वाओ। क्या क्या? You are a fool. तूने उन लोगों को यहाँ का सही पता बता दिया चपर कराचे। उनको सही पता बताने की क्या जरूरत थी? You fool. पुलिस आई तो अपनी तो हो गई ना छुट्टी। चल सामान मांगो, निकल यहाँ से, चल। हमने चैनल से कांटेक्ट कर लिया है, तुम पुलिस को खबर कर दो। तुम लोग मेरे साथ चलो, कम ऑन लेट्स गो, हरी अप, जल्दी चलो, कम ऑन, सब तैयार है, लेट्स गो। चोरों ने मुझे बहुत तंग कर लिया, मेरे दादा आ गए हैं, अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने वाली, देखना वो तुम्हारी कैसी चटनी बना देंगे। बाहर निकलो। इंद्रजीत। दादा? हा? दादा अब आ गए, मेरी रस्सियां खोल दो दादा। हा? खोलो ना दादा, खोलो। अपना छोटा जादूगर इधर ही है। तू अभी तक गुल नहीं हुआ? तू बहुत बड़ा जादूगर है ना? हाँ, तो गुल हो के बता। अभी गुल होता हूँ। क्या डालूं? बच्चा क्या हुआ बच्चे को? बच्चा बड़ा हो गया है। बच्चा बड़ा हो गया है? इतना बड़ा पेट है। इतना बड़ा पेट है? मूंछ भी है। मूंछ? इधर ये क्या है? किधर?
तू सच में बहुत बड़ा गधा है। तेरी खोपड़ी एकदम खोखली हो गई है। अपनी आंख में मोटा चश्मा लगा कर घूम। ऊपर वाले, तूने इसे मेरे साथ क्यों बांध दिया? देखो, 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 देखो। हेलो। क्या हुआ, क्या हुआ? तेरी तो खोपड़ी सरक गई, मेरी भी सरक गई है क्या? तुझे पता है वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जादूगर है। अब अपने पास $2 बिलियन होगा क्या? ऊपर वाला देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। बहुत चिल्ला रहा था ना, अब चिल्ला। अब तो लोगों को डबल पैसे देने ही पड़ेंगे। हम लोग तेरे को नहीं मारेगा, तू तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। देख तू मेरे सारे काम बिगाड़ देता है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं। जो माल मिलेगा उसमें ऊपर वाले का हिस्सा भी निकाल लेंगे, समझ गया? और एक हरी पीली छोकरी देख के तेरी शादी भी करवा दूंगा। पहले तुम शादी करो ना। इंद्रजीत, हाँ? अब तुम्हें शक्तिमान बनना है। लेकिन वो कैसे दादा? मूलाधार शक्ति रचयतम। आ गया? तू मरेगा। इधर आ। इतना बच्चा। मजा आया? इसे कहते हैं मैजिक। चल तुझे मजा चखाता हूँ। बहुत अच्छे। आ जाओ आ जाओ, हिम्मत है तो पकड़ो मुझे। चल मेरे बच्चे, उड़कर आ जा। पकड़ो इसको भी। चलो। आ जाओ आ जाओ, बहादुर हो तो पकड़ कर उठाओ। देखो तो कितने बहादुर हो। खराब करता हूँ। क्या कर रहा है? गधे आरी बकाड़, इस क्लाइमेक्स का असली हीरो तू है। चार्ज। मेरे प्यारे भालू, जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया। दादाजी को भी हम ऐसे ही करेंगे। $1 मिलियन। अरे वो आचार्य लाया है क्या हमारे $1 मिलियन? हाँ।
कहाँ है पैसा? कहाँ है? चल बे, निकलो। तुझे तो मैं चला जाऊंगा चुपचाप। नहीं नहीं, लेते जाओ, ये लो। चाहिए। ये भी लो। दादा, कहिए कैसी रही? फर्स्ट क्लास मेरे बच्चे। और ये कैसी रही? मजा आया? ये क्या है राजा? देखा असली मैजिक? मैजिक? बदमाश। टैक्सी! ये पुलिस वाले कहाँ चल है? जाओ मेरे को, बच के जाओ। एक और गाड़ी। मैं तो मर गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैं बहुत सारी बात करूँ। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैं बात नहीं किया। तुम लोग हालत में गुजारना करो। इनके न्यायों को पकड़वाने का सबसे इंद्रजीत, कैसे हो बेटा? इंद्रजीत, तुम लोग उन गुंडों के चंगुल से कैसे बचे? तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, जब मैं और दादा मिल जाए तो वहाँ जादू ही जादू होता है। जादूगर है क्या? आप इनका मैजिक शो देखना चाहते हैं?
प्यारे बॉक्सर का दिल टूट गया। बड़े जादूगर हो